YouTube चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इन पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां पर जो एस है वो सम ऑफ जीरोज होते हैं और जो पी है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। पर हमें फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, 1 ओवर 4 हमें दिया हुआ है सम, माइनस 1 हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट। तो चलिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर सम दिया हुआ है हमें 1/4 प्लस प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें माइनस 1। इस सिंपली सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 4 माइनस 1। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, देखिए अब ये 4 हमारे पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर नहीं, देखिए इसकी दूसरी साइड 0 है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 भी तो 0 हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर हम नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं सेकेंड पार्ट, √2, 1/3 ये सम है और ये प्रोडक्ट है। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x√2 प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं, 0, √5 सिंपली वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर माइनस एस हो जाएगा 0, देखिए 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सारा 0 आएगा, माइनस 0 प्लस √5 एक्स स्क्वायर प्लस √5 हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया। चलिए अब इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, सम और प्रोडक्ट दोनों 1 दिए हुए हैं, सिंपली वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास इसका पॉलिनोमियल आ गया। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करते हैं, −1/4, 1/4 सिंपली वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 × x प्लस 1/4 सिंपली इसका एलसीएम ले लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये नीचे जो 4 होगा उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका पॉलिनोमियल आ गया। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, 4, 1 सिंपली वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारे पास इसका पॉलिनोमियल आ गया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हम ऐसी और वीडियोस आगे लाते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।